गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में नवमह पाठ है, अहम अपि विद्यालयं गमिष्यामि। अहम यानी मैं, अपि यानी भी, है ना। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अहम अपि मैं भी विद्यालय जाऊंगी। गमिष्यामि यानी जाऊंगी, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। मालिनी प्रतिवेशनिम प्रति, मालिनी अपनी प्रतिवेशनिम यानी पड़ोसन, अपनी पड़ोसन से कहती है, गिरिजे मम पुत्रः मातुल गृहं प्रति प्रस्थितः। कि गिरिजा, पड़ोसन का नाम क्या है, गिरिजा। कि गिरिजा, मेरा पुत्र, मम पुत्रः, मेरा पुत्र मातुल गृह, मामा के घर गया है। मातुल, मातुल यानी मामा, गृह में यानी घर, तो क्या हो गया, मामा का घर। मेरा पुत्र मामा के घर प्रस्थित है यानी गया है। काचिद अन्याम कापि महिलाम कार्यार्थम जानासी तरही प्रेष्य। काचिद, किसी दूसरी काम वाली महिला को कार्य करने के लिए जानती हो तो भेजो, ठीक है। किसी काम करने वाली महिला को अगर तुम जानती हो तो उसे भेजो, तरही तो प्रेषय यानी भेजो। मालिनी प्रतिवेशनिम प्रति, मालिनी पड़ोसन से, गिरिजे गिरिजा मम पुत्र है मातुल गृहं प्रति प्रस्थितः, मेरा पुत्र मामा के घर गया है। काचिद अन्याम, किसी अन्य या किसी दूसरी काम अपि महिला, किसी भी महिला को कार्यार्थम जानासी काम के लिए जानती हो, तरही प्रेष्य तो उसे भेजो। गिरिजा आम सखी, हाँ सखी, अद्य प्रातः एव, आज सुबह ही, अद्य यानी आज, प्रातः यानी सुबह, एव यानी ही, आज सुबह ही मम सहायिका, मेरी सहायिका या मेरे यहाँ जो काम करने आती है, मम सहायिका स्वसुताया कृते, अपनी बेटी के लिए, स्व यानी अपनी, सुता कहते हैं बेटी को, और सुताया, ये चतुर्थी विभक्ति लग गई तो ये क्या हो गया, चतुर्थी विभक्ति का कारक चिन्ह, के लिए, तो अपनी बेटी के लिए कर्मार्थम प्रच्छति इस्म, काम के लिए पूछ रही थी। श्व प्रातः एव तया सह वार्ताम करिष्यामि, कल सुबह ही उसके साथ बात करूंगी। आम सखी, हाँ सखी, अद्य प्रातः एव मम सहायिका, आज सुबह ही मेरी सहायिका अपनी बेटी के लिए काम के लिए पूछ रही थी। श्व प्रातः, कल सुबह ही तया सह वार्ताम करिष्यामि, उसके साथ बात करूंगी। अग्रिमे दिने, अगले दिन प्रातः काले, सुबह के समय, षट वादने एव, छः बजे, सुबह छः बजे एव मालिन्या गृह घंटिका, मालिनी के घर की घंटी ने, गृह घंटिका घंटी ने है ना, डोर बेल, ठीक है, घर की घंटी ने आगंतारम कमपि सूचयति, आने वाले किसी की सूचना दी। यानी मालिनी के घर की घंटी बजी और जिसने यह सूचित किया कि द्वार पर कोई है। अगले दिन सुबह छः बजे मालिनी के घर की घंटी ने आने वाले कमपि सूचयति, किसी की सूचना दी। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी द्वार खोलती है, द्वार यानी दरवाजा, उद्घाटयति यानी खोलती है, मालिनी दरवाजा खोलती है, पश्यति देखती है, यत की गिरिजाया सेविकया, गिरिजा की सेविका दर्शनया सह, दर्शना के साथ, एका अष्ट वर्ष देशीय, एक लगभग आठ वर्ष की, अष्ट वर्ष आठ वर्ष, देशीय मतलब लगभग, लगभग आठ साल की बालिका तिष्ठति, बालिका खड़ी है या लड़की खड़ी है। फिर से देखें, अग्रिमे दिने प्रातः काले, अगले दिन सुबह के समय षट वादने एव, छः बजे ही मालिन्या गृह घंटिका, मालिनी के घर की घंटी ने आगंतारम कमपि सूचयति, आने वाले किसी की सूचना दी। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी दरवाजा खोलती है, पश्यति देखती है, यत की गिरिजाया सेविकया दर्शनया सह, गिरजा की सेविका दर्शना के साथ,
गिरजा की सेविका का क्या नाम है? दर्शना। ठीक है, गिरजा की सेविका दर्शना के साथ एका एक अष्टवर्ष देशीय बालिका तिष्ठति। अष्टवर्ष देशीय लगभग 8 साल की बालिका या लड़की खड़ी है। दर्शना महोदय, दर्शना कहती है महोदय भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदया पृच्छति स्म, कि आपके काम के लिए गिरजा महोदया पूछ रही थी। ये महोदया आपके काम के लिए गिरजा महोदया पूछ रही थी। कृपया मम सुताये अवसरम प्रदाय, कृपया मेरी बेटी को अवसर देकर अनुग्रहणंतु भवती, आप अनुग्रहित करें या आप हम पर कृपा करें। महोदये महोदया भवती कार्यार्थम आपके काम के लिए गिरजा महोदया पृच्छति स्म पूछ रही थी। कृपया मम सुतायै, कृपया मेरी बेटी के लिए अवसरम प्रदाय, अवसर प्रदान करके या मेरी बेटी को इसका मौका देकर, इसका अवसर देकर अनुग्रहणातु भवती, अनुग्रहित करें या हम पर कृपा करें। मालिनी परम एशां तु अल्प वयस्का प्रतीयते। अब मालिनी कहती है परंतु परम परम एशां है ना, परमेशा इसको संधि विच्छेद करेंगे तो परम एशां, परम यानी परंतु, एशां यानी यह, परंतु यह, तू यानी तो, परंतु यह तो अल्प वयस्का प्रतीयते, कम आयु की प्रतीत होती है। अल्प यानी कम, वयस्क यानी आयु की, कम उम्र की दिखाई दे रही है या कम उम्र की प्रतीत होती है। किम कार्यम करिष्यति एषा, यह क्या कार्य करेगी। एषा यानी यह, करिष्यति यानी करेगी, किम कार्यम यह क्या काम करेगी। अयम तु अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च काल है, यह तो इसके, अयम तु अस्याः यह तो इसके अध्ययनस्य पढ़ने का, क्रीडनस्य च और खेलने का काल है यानी समय है। ठीक है, वो छोटी सी बच्ची दिखाई दी तो मालिनी ने कहा कि यह तो बहुत छोटी लग रही है, ये क्या काम करेगी। यह तो इसके पढ़ने की और खेलने की आयु है या खेलने का समय है। मालिनी परमेशां तु अल्प वयस्का प्रतीयते, परंतु यह तो कम उम्र की प्रतीत होती है। किम कार्यम करिष्यति एषा, यह क्या काम करेगी। अयम तु अस्याः, यह तो इसके अध्ययनस्य क्रीडनस्य च काल है, पढ़ने का और खेलने का समय है। ठीक है, आज बस इतना ही पढ़ेंगे है ना, अभी काफी बड़ा चैप्टर है, इसको बाद में करेंगे अपन। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ के देखिए, समझिए, इसके हिंदी करने का प्रयास कीजिए अच्छे से, शुद्ध उच्चारण के साथ इसको पढ़िए, और इसके शब्दार्थ आपने लिख लिए होंगे। ठीक है, तो शब्दार्थ भी इसके लर्न कीजिए। ओके, बाय बाय।